हरियाणा के जिले नारनौल के गांव मांडी में ऑर्गेनिक पद्धति द्वारा खीरे की खेती की जा रही है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ साथ खेती की अलग प्रणाली अपनाई जा रही है, जिसमें मल्चिंग शीट के साथ साथ नेट हाउसिंग यानी नेट फार्मिंग भी की जा रही है। और वर्मी कंपोस्ट खाद द्वारा ऑर्गेनिक ढंग से आंवले की खेती भी की जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का हरियाणा के किसानों को संपूर्ण लाभ मिल रहा है। और कीटनाशक के लिए जैविक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम दीनबंधु है और मैं हरियाणा के नारनौल के पास मांदी गांव का रहने वाला हूँ। और हम 96 से आंवले का बाग कर रहे हैं। ये आपने देखा है, पीछे आंवले का बाग है, मौसमी के भी पेड़ लगाए हुए हैं। और अब हम ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ मैं। और हरियाणा सरकार से मैंने नेट हाउसिंग के लिए सब्सिडी दी है, उसके लिए मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और मैंने नेट हाउस में भी ऑर्गेनिक खीरे लगाए हैं और बाहर भी मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, जैसे घर के लिए हमने जो भी लगाए हैं। और मैं तो अब यही कह रहे हैं कि जब जितना भी पेस्टिसाइड आ रहा है वो जहर आ रहा है, कम से कम हम जहर से बचें। मैंने छोटा सा एक मिनी गोबर गैस प्लांट भी लगाया हुआ है, उसकी सैलरी जो निकलती है वो सारी में खेतों में देते हैं, स्प्रे भी उनके ऊपर करते रहते हैं। तो ये है, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आज के ज़माने में जो इतने पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं उनकी बजाय उनको छोड़ के अगर हम दोबारा से ऑर्गेनिक खेती पे आते हैं तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा, आने वाला भविष्य बच्चों के लिए भी हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।